अगर वॉइस क्लियर है और डिस्प्ले क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। मेरे पास सिर्फ दो लोगों ने हैंड रेज किए हैं, अक्सा रुशफा कामना। तहरीन मियां तलहा और भी इतने स्टूडेंट्स हैं खुदा। सर जी, कैपिटल गेन की बात हमने की थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैपिटल गेन की बात की थी, कैपिटल गेन की बात की थी, वही बात आगे चलानी है। एक बार वो वाला स्केच जो आपके साथ डिस्कस किया था उसको रीकैप कर देता हूँ। थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो ज्यादा फायदा है। सर जी, हमने क्या पढ़ा था यार? ये ठीक कर रहे, असमन कहाँ पे है? वालेकुम जनाब, देखिएगा सर जी, बस मुझे तो अगर मेरा जिस तरह भी चेहरा हो मुझे पता होता है कि ये बच्चे सब बोल रहे होंगे, मुझे सबके नाम शक्लें भी याद हो गई। बहुत कम ऐसा हुआ है अभी यहाँ पे भी जो बोलने वाले चेहरे आप मुझे उनका पता चल गया हुआ है। अच्छा, उनका नाम शायद नहीं पता होगा लेकिन मुझसे पूछेंगे तो मैं चेहरा देख के बता दूंगा कि ये बच्चा जरूर बोल रहा होगा, और अगर ये इसके साथ बैठी है तो कसम से बोल रही होगी। ठीक है, क्योंकि वो मेरी कोशिश होती है कि लेक्चर डिस्टर्ब ना हो, अगर कोई बात आंखों से ही समझ रहा है तो वो समझ जाए। फिर बहुत तंग हो जाऊं तो फिर मैं जो है वो बोलता हूँ कि भाई फलान साहब आप चुप हो जाए। ठीक है, ले सर। स्टेप नंबर वन, कैपिटल एसेट। सब सर जी, लास्ट क्लास किन लोगों ने ज्वाइन की थी? यस और नो, जरा प्लीज बता दीजिए। सर जी, अब ये जो स्मोक की वजह से मामला आया, आप इसको नहीं छोड़ सकते सर। हमने पूरी कोशिश की लेकिन अब ये साथ ऑनलाइन का ये जो साथ 2 दिन चल पड़ा है, इसको आप लाइट ना लीजिए। और ये ना समझे कि वो वाला जो सैटरडे को पढ़ाया था वो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, या मंडे को जो पढ़ाया था। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आई तो आपके पास 24 आवर के लिए जो है वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। ठीक है, मंडे वाले दिन टेस्ट प्लान कर दिया था। अगर आप में से किसी ने टेस्ट नहीं दिया तो आज 12 से 2 बजे तक वो टेस्ट, 10 से 2 बजे तक वो टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, समझो। कैप सर, कैपिटल गेन के हवाले से आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। मेरी तबीयत अपसेट थी, मैं आज बड़ी लेट पहुंचा हूँ यहाँ पे। पहली क्लास तकरीबन आधी गुजर चुकी थी, तो आप प्लीज मेरे साथ रहिएगा जरा, और कोशिश करें कि राइट डायरेक्शन में एनर्जी लगे तो ज्यादा बेहतर। सर, कैपिटल एसेट स्टेप नंबर वन, जब भी कोई सवाल करें तो सबसे पहले ये देखना होता है कि ये कैपिटल एसेट है या नहीं। दूसरे नंबर पे ये देखना होता है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी है या अदर।
सर जी ये तीनों ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, यस और नो। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या देखना होता है? गेन है या लॉस है? सर जी अगर गेन हो, अगर गेन हो तो होल्डिंग पीरियड देखेंगे, गेन हो तो होल्डिंग पीरियड देखेंगे और उसके बाद गेन हो तो होल्डिंग पीरियड देखेंगे और उसके बाद क्या देखेंगे? सर झुके ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है तो हम ये देखेंगे कि इस पे सेपरेट रेट लगेगा। डन हो गई, यस और नो? अगर लॉस आ जाए तो सर इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्टेबल होता ही नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्टेबल होता ही नहीं, ना ही कैरिड फॉरवर्ड होता है, ना एडजस्ट होता है और ना ही कैरिड फॉरवर्ड होता है। सर जी अब जरा अगली बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी से मुराद सिम डीवीडी याद है? सर सिम डीवीडी एस फॉर शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, आई फॉर इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, एम फॉर उदारवाद सर्टिफिकेट्स, डी फॉर डेट सिक्योरिटीज, वी फॉर वाउचर ऑफ पीटीसी, फिर डी फॉर डेरिवेटिव। सर सिक्योरिटी सिम डीवीडी इसको हम इसमें भी यही देखना है, केन है यहां सर। अगर गेन हो गया तो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पर ट्रीट होगा और अगर लॉस होगा तो सर ये एडजस्टेबल होगा अगेंस्ट हाँ, अगर एडजस्ट ना हो सका तो चलो ये बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद हमने अदर्स की बात कर ली। अदर्स की बात करें तो इसमें भी यही देखना है, गेन है यहां, गेन में भी फर्दर देखना है, गेन में फर्दर क्या देखना है? होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है और ये होल्डिंग पीरियड अगर पूरा 1 साल हो तो भी वो इसी कैटेगरी में जाता है, लेस देन 1 ईयर की कैटेगरी। सर अगर मोर देन 1 ईयर है तो और लेस देन 1 ईयर है तो
सर ये वाली लाइन याद है सर, ये मैंने आपको कहा था मैंने जानबूझ के छोड़ी थी सर, जरा पढ़िएगा। वेयर आर कैपिटल एसेट अदर देन 37A सिम डीवीडी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन हेल्ड बाय द पर्सन फॉर मोर देन 1 ईयर, ओनली 75% ऑफ द कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल एंड द बैलेंस ऑफ 25% शैल बी। सर ये वाली बात तब नहीं पढ़ाई थी इसीलिए कि आप पढ़ा नहीं थी। सर जी ये समझ आ गई यस और नो? सर जी अगर लॉस की बात हो जाए, अगर अदर में लॉस आ जाए तो क्या देखेंगे? सर आर्ट रिलेटेड आइटम, अगर आर्ट रिलेटेड आइटम होगी तो नॉट एडजस्टेबल, और अगर आर्ट रिलेटेड आइटम नहीं होगी तो अदर्स होगा तो एडजस्टेबल अगेंस्ट जी, एडजस्टेबल अगेंस्ट कैपिटल गेन, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो कितने अरसे के लिए? वो वीडियो अब उड़ गई है, आप में से कितने लोगों ने वो नहीं देखी? वो जो सैटरडे का लेक्चर था उसकी वीडियो अपलोड हुई थी 24 आवर्स के लिए, कल खत्म हुई है, वो कितने लोगों ने नहीं देखी? सर वो लेक्चर आप लोगों को लेना चाहिए था, वो लेक्चर आप मिस नहीं करें, मैं आपको फिर बता रहा हूं, वो दोबारा नहीं पढ़ा सकेंगे हम। लेक्चर लिया था भाई, लेक्चर ले लिया तो फिर तो ठीक हो गया ना, अगर आपने लेक्चर नहीं लिया, आप जितने लोगों ने नहीं देखा मुझे नहीं पता, मुझे जितने लोगों ने इस क्लास में, 4 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि शायद कम से कम 15 से 20% लोगों ने नहीं ली होगी, जिसका मतलब है कि कम से कम 15 लोगों को हाथ खड़ा करना चाहिए था मेरा ख्याल है, लेकिन समझो कि हमारे पास व्यूज शो हो रहे होते हैं कि कितने लोगों ने उसको व्यू किया है, लेकिन अगर आप सबने ले लिया तो बहुत अच्छी बात। सर जी क्या ये समझ आ गया यस और नो? स्क्रीनशॉट भी आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है इसका। सर जी बात समझ आ गई है, सवाल करते हैं। मिस्टर शहबाज आर रेजिडेंट इंडिविजुअल अर्न ₹700,000 फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स एज शोन बिलो, शेयर ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी 15/7/2008 को खरीदा 5 लाख का, 30/11/2009 को बेचा 9 लाख का, कितना गेन कमा लिया? सर जी 4 लाख का गेन कमा लिया ना, जब भी सवाल पढ़े जेहन में ये स्केच लेके आए, सबसे पहले सोचें शेयर ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी, मुझे बताएं स्टेप नंबर 1 क्या ये कैपिटल एसेट है? यस सर। इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योर्ड नहीं है अदर,
अनलिस्टेड कंपनी है। क्या अनलिस्टेड कंपनी एक पब्लिक कंपनी होती है? पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन किसी स्टूडेंट को याद हो? सर बताने की जरूरत नहीं, हाथ खड़ा करें बस। अगर आप समझते हैं कि आपको पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन आती है, जी बेटे बताइए। आपने एनरेज किया था, बताइए पब्लिक कंपनी। अच्छा ओके, तो मैंने नहीं किया, आप बता दी। अच्छा ये पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में बताई, तकरीबन 85% 90% ठीक है। और कोई स्टूडेंट जिसको पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन आती हो? लेकिन इन्होंने जिस तरह सुनाई है ना, उससे तो आपको याद नहीं आ सकती। अगर आपने खुद पढ़ी होगी तो ही आपको याद आएगी। जी भाई ये तो खैर नहीं है। अच्छा आखिरी पॉइंट ठीक नहीं था, बाकी ऊपर ठीक। अच्छा हम बात कर रहे थे कैपिटल गेन की, तो बस मैंने आपको याद ही दिलाना था, आपको याद आ गया कि हमने पहले पब्लिक कंपनी पढ़ा हुआ था। मैं ये डेफिनेशन एक बार दोबारा भी पढ़ा दूंगा तो उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप खुद देख लीजिएगा। आदिल ने एक सवाल पूछा है, आदिल मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। सर जी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा, जो टैक्स में पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन थी वो उसके मुताबिक ही पब्लिक कंपनी समझी जाएगी टैक्स में, ठीक है। अच्छा दो लोगों ने हाथ खड़ा किया है मेनली, दोनों लोगों ने, पहले स्टूडेंट ने कुछ बेहतर बताया, दूसरे ने तीन में से पांच में से तीन पॉइंट्स ठीक बताए, दूसरे स्टूडेंट ने चार ठीक बताए, बाकी सब ने हाथ नहीं खड़ा किया। तो इसको एक बार तैयार कर लीजिएगा सर। बहरहाल ये अनलिस्टेड कंपनी है, इसका मतलब है कि ये पब्लिक कंपनी नहीं है। मिसाल के तौर पर हम यही ज्यूम करेंगे ये पब्लिक कंपनी नहीं है। अगर ये पब्लिक कंपनी नहीं है तो फिर ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी, सिक्योरिटी की डेफिनेशन में फॉल। 5 लाख रुपए का परचेज किया 7/2008 को और 11/2009 को बेच दिया 9 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का गेन आ गया। सर जी स्टेप नंबर वन कैपिटल एसेट है, यस। स्टेप नंबर टू इंडिविजुअल है, सिक्योरिटी है या अदर है? सर ये अदर में फॉल करेगा। गेन है या लॉस है? सर जी ये गेन में फॉल करे। गेन में फॉल करेगा सर। होल्डिंग पीरियड मोर देन वन ईयर है या लेस देन वन ईयर है? सर 1 साल और 4 मंथ्स है ना, मोर देन वन ईयर तो 75% टैक्सेबल होगा, यानी 4 लाख का 75% टैक्सेबल होगा जो बना 3 लाख। अगला पॉइंट ज्वेलरी, ज्वेलरी 15/8 को 7.5 लाख की खरीदी थी और 12/9 को 14 लाख की बेची और 6.5 लाख का गेन हो गया,
स्टेप नंबर वन, क्या ज्वेलरी कैपिटल एसेट है, यस और नो? स्टेप नंबर टू, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर? अदर। गेन या लॉस? गेन। होल्डिंग पीरियड मोर देन वन ईयर? भैया होल्डिंग पीरियड मोर देन वन ईयर है, यस। 75% टैक्सेबल, 6,50,000 का 75% निकालिएगा। ठीक हो गया सर। थर्ड पॉइंट है स्क्रप्चर, एक साथ 2005 को खरीदा था 4,00,000 का और 31/1 वाई जीरो को बेचा 3,00,000 का, 1,00,000 का लॉस हो गया। स्टेप नंबर वन, कैपिटल एसेट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर? गेन या लॉस? आर्ट रिलेटेड है, यस, नॉट एडजस्टेबल। आर्ट रिलेटेड आइटम में लॉस आया तो ये एडजस्टेबल, ये एडजस्टेबल नहीं हो। सर फोर्थ पॉइंट, शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 1/1/2009 को 13,00,000 रुपए के शेयर्स खरीदे और 15/12/2010 को ये 12,00,000 रुपए के बेचती है, लॉस आ गया 1,00,000 रुपए का। स्टेप नंबर वन, कैपिटल एसेट है, यस और नो? इंडिविजुअल एओपी कंपनी, नहीं ये नहीं देखना था भाई। इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर? जी भाई सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसने लिख दी है। सर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब है ये पब्लिक कंपनी नहीं है। अदर्स, तो भाई स्टेप नंबर वन कैपिटल एसेट है, यस। स्टेप नंबर टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी अदर में क्या लिखना है हमने? अदर। सर जी गेन है लॉस है? 1,00,000 का लॉस है। सर जी लॉस पे आ जाइए, ये लॉस। सर आर्ट रिलेटेड आइटम है या अदर है? अदर है। सर इसका 1,00,000 का लॉस एडजस्टेबल होगा, ये 1,00,000 का लॉस एडजस्ट हो जाएगा ऊपर वाली इनकम के साथ। ये 1,00,000 रुपए का लॉस क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो। सर जी ये बन जाएगा, आपने गौर किया स्कल्पचर का लॉस एडजस्ट नहीं किया आर्ट रिलेटेड होने की वजह से, और जो आर्ट रिलेटेड आइटम नहीं थी और कैपिटल एसेट था तो उसका लॉस था, वो कैपिटल एसेट के अगेंस्ट एडजस्ट। सर ये कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। एक आखिरी बात है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस किसी की कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता और कोई कैपिटल लॉस इमूवेबल प्रॉपर्टी के गेन के एडजस्ट नहीं होता। यानी कैपिटल लॉस आ जाए तो वह इमूवेबल प्रॉपर्टी के गेन के साथ एडजस्ट ना, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी गेन को लॉस एडजस्ट करती है ना इसके साथ एडजस्ट होता है, ये याद रखिए। बिल्कुल मुंह खुश हो गया। E1 में चार पार्ट्स थे, चारों आप वो करवा दिए। सर E2 होम असाइनमेंट है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम का सवाल है, आप खुद करेंगे। एम्प्लॉय शेयर स्कीम तो आता है ना, यस और नो? शाबाश।
सर E3 इनमें 20X2 हमीदा सोल्ड सर्टन पर्सनल एसेट टू पर्सनल एसेट एट द फॉलोइंग प्राइसेस। अच्छा जनाब ये ड्रिप साथ लगी हुई है सर जी। चलते हैं इनमें 20X2 हमीदा सोल्ड सर्टन पर्सनल एसेट एट द फॉलोइंग प्राइसेस। प्लॉट इन DHA कराची हमीदा ने बेचा 10 मिलियन का, पेंटिंग 2 मिलियन की, ज्वेलरी 5 मिलियन की। एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्लॉट इन DHA कराची वॉज इनहेरिटेड बाय हर फ्रॉम हर फादर इन May 2006। इट वॉज परचेज बाय हर फादर फॉर ₹4 मिलियन एंड द मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस वॉज। सर जी काम की बात क्या है? काम की बात यह है इसी तरतीब को फॉलो करते हैं, छोड़ें। स्टेप नंबर वन कैपिटल एसेट है, यस और नो। स्टेप नंबर टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर। इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर इमूवेबल प्रॉपर्टी में पहले कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल प्रोसीड क्या है? 10 मिलियन। कॉस्ट क्या है? सर उसके बाप ने खरीदा था 4 मिलियन का, लेकिन जब उसे ट्रांसफर हुआ था तो उसकी वैल्यू कितनी थी? 5 मिलियन। तो भाई फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ये कॉस्ट बनता है, यस और नो? सर जी 5 मिलियन। कितना आ गया सर? 5 मिलियन का गेन आ गया। यहाँ पे आ गया अपन, गेन आ गया। सर होल्डिंग पीरियड कितना है? सर जी मैं 2020W6 को खरीदा था और 20X ये तो 6 साल बनते हैं। सर अगर होल्डिंग पीरियड 4 साल से ज्यादा हो तो टैक्स नहीं लगता, 0% टैक्स लगता है। यही इस पार्ट का आंसर था। फोर ईयर क्यों? W6 था ना, W7, W8, W9, X0, X1, X2 6 साल ही बनते हैं। वो X है वो W है, W से अगला साल X होता है ना। सर जी समझ आ गया है, यस और नो? सेकेंड केस, पेंटिंग वॉज इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर इन July 2001। द पेंटेड वर परचेज बाय हर मदर फॉर 10 मिलियन और फेयर मार्केट एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस कितनी थी? 2350000। सर जी स्टेप नंबर वन पेंटिंग कैपिटल एसेट है, यस और नो? स्टेप नंबर टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर? अदर। फिर उसके बाद गेन या लॉस? बड़े भाई गेन कैसे है? आपको देखना पड़ेगा सेल प्रोसीड क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है। फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। सर जी कितना लिखेंगे? 2350000।
350,000, yes or no? सर ये गेन है या लॉस है? सर स्टेप नंबर वन कैपिटल एसेट, स्टेप नंबर टू अदर, स्टेप नंबर थ्री लॉस। सर लॉस है, आर्ट रिलेटेड आइटम है, यस और नो? सर जी अगर ये नॉट एडजस्टेबल, सर जी यकीन माने ये अगर आपको ये वाला सफा याद नहीं होगा आप फंस जाएंगे। सर जी आपको ये याद करके लेके साथ चलना है, ये आपके दिमाग में बैठा होगा, तो जिस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूं मकसद ही है आपके दिमाग में बैठ जाए, आपके दिमाग में इस तरह से फ्लो चल रहा हो, कैपिटल एसेट है, अदर है, गेन है या लॉस है, आर्ट रिलेटेड है या नहीं है, आराम से सवाल हल हो जाएगा। लेकिन सर इसका भी मसला वही है जो पुरानों का है, तैयार करना ही पड़ना है आपको। ओके, आपने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन जिस तरह याद की हुई है, अगर ये उस तरह याद रहा तो फिर मुश्किल हो जाएगा सर। सर E3 5 मिलियन की ज्वेलरी बेची, खरीदी कितनी थी? 3 मिलियन की। हस्बैंड से गिफ्ट लिया था 3 मिलियन की ज्वेलरी का। सर जी जब हस्बैंड ने 3 मिलियन की खरीदी, साथ ही इसको गिफ्ट कर दी, तो इसका मतलब है इसकी कॉस्ट क्या हुई? 3 मिलियन। कितने की बेची? 5। कितने का गेन आ गया? 2 मिलियन का गेन। स्टेप नंबर वन कैपिटल एसेट है या नहीं? स्टेप नंबर टू इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं, अदर। स्टेप नंबर थ्री गेन या लॉस? गेन। स्टेप नंबर फोर होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर, तो 75% यानी 2 मिलियन का सर जी बात समझ में आ गई, यस और नो? और सर जी हो जाएगा E4। गुलजार इज अ पाकिस्तानी रेजिडेंट एंड ऑपरेट वेरियस बिजनेसेस। He disposed of the following asset during the tax year 20X8. An immovable property was sold for immovable property 50 million. Cost of the immovable property kitni thi? Tax depreciation kitni thi? 4 million. Sir bataiye, स्टेप नंबर वन कैपिटल एसेट है? स्टेप नंबर वन कैपिटल एसेट है? बड़ी गल है, बड़े भाई उसने डेप्रिसिएशन दी हुई है 4 मिलियन की, आप फिर भी कैपिटल एसेट कहते जा रहे हैं उसको? सर ये कैपिटल एसेट नहीं है, ये कैपिटल एसेट नहीं है, उसने डेप्रिसिएशन आपको दे दी है, डेप्रिशिएबल एसेट है, डेप्रिशिएबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं। पार्ट टू नहीं, हम देखते ये डेप्रिशिएबल एसेट है या नहीं, हम देखते ये डेप्रिशिएबल एसेट है या नहीं। अगर एक एसेट बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है और वो एसेट इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड नहीं है, तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि वो डेप्रिशिएबल एसेट है।
रेट मुख्तलिफ हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा अकाउंटिंग में टैक्स में, लेकिन वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। ठीक है जनाब, अकाउंटिंग की दी हुई टैक्स की दी हुई डेप्रिसिएशन, अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। सर जी दूसरी बात, कार डिस्पोज की 1.2 मिलियन की कार एक्वायर की थी 1 जुलाई 2006 में, टैक्स WDV भी दी हुई 0.9 मिलियन। द कार वॉज यूज 70% फॉर द बिजनेस एंड फॉर टैक्स डेप्रिसिएशन रेट था 20%। सर स्टेप नंबर वन कैपिटल एसेट है, सर ये गाड़ी बेच दी है, डिस्पोजल तो हो गया, क्या ये कैपिटल एसेट होगा? क्यों सर? ये कैपिटल एसेट ही नहीं है, डिस्पोजल को खाली हमने क्या करना है, कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन होता है। यहाँ पे उसने आपको डिस्पोजल की इन्फॉर्मेशन तो दे दी है, साथ वो ये भी बता रहा है बिजनेस में यूज हो रहा है, इसका मतलब बिजनेस एसेट है, साथ उसकी डेप्रिसिएशन भी बता रहा है। इसका क्या मतलब है? ये डेप्रिशिएबल एसेट है, और जो डेप्रिशिएबल एसेट होता है वो कैपिटल एसेट एन एंटीक स्कल्पचर वॉज परचेज फॉर 350,000, इट वॉज सोल्ड फॉर 1.5 मिलियन, द ऑक्शनियर वॉज पेड अ कमीशन ऑफ 150,000, टैक्स वॉज डिडक्टेड एंड पेड बाय गुलजार फॉर द अमाउंट ऑफ कमीशन विद इन ड्यू डेट। सर जी 15 लाख रुपए का कैपिटल एसेट बेचा, खरीदा कितने का था? 350,000 का। सवाल ये जो ऑक्शनियर को कमीशन दिया, क्या ये माइनस करने की इजाजत होगी? द आंसर इज यस। वन पॉइंट फाइव मिलियन में से 350,000 एक माइनस कर दिया, 150,000 एक माइनस कर दिया जी, पीछे कितना रह गया? 1 मिलियन। सर ये 1 मिलियन का गेन आएगा। स्टेप नंबर वन कैपिटल एसेट है, यस। स्टेप नंबर टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर? अदर। स्टेप नंबर थ्री गेन या लॉस? स्टेप नंबर फोर होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर तो 75%। सात लाख 50,000 टैक्सेबल। सर जी ये बात समझ आ गई, यस और नो? सर जी इसके बाद अगला पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो है ई फाइव जमान इज वर्किंग एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन यासिर लिमिटेड, फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ सेल एंड परचेज रिलेटिंग टू हिज कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 20X। सर जी प्लीज जरा अलर्ट रहिएगा, सर जी अलर्ट रहिएगा जरा। जमान जो है इज वर्किंग एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन यासिर लिमिटेड, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ सेल एंड परचेज टैक्स ईयर 20X4। अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम 25,000 शेयर ऑफ वायल वर अलॉटेड टू जमान ऑन 1 दिसंबर 2001 फॉर रुपीज 25,000 शेयर किसको अलॉट दिए गए हैं? जमान को। कब? 1 जनवरी को।
इतने के 25 रुपए के। अकॉर्डिंग टू द स्कीम ही वॉज नॉट अलाउड टू सेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स। फेस मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 10। फेयर मार्केट वैल्यू 1 दिसंबर पे कितनी थी? 40। 30 जून पे कितनी थी? 48। 30 नवंबर पे कितनी थी? 55। सर जी कब रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होगा? 1 दिसंबर 2021। 1 दिसंबर 2022। 1 दिसंबर 2023। सर ये वाली डेट यानी 30 नवंबर 2023। सर रेट कितना हुआ? 55। मल्टीप्लाई बाय 25,000 करेंगे, ये फेयर मार्केट वैल्यू हो गई आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड। इसमें से कॉस्ट लेस कर देंगे, तीस नंबर वही डेट थी, साल तब खत्म हो गया ना, तभी खत्म होगा जब डेट जो उसने दी हुई है। ठीक है, अलहदा से डेट नहीं दी तो इसका मतलब है कि यही। सर जी 55 × 25,000, इसमें से कॉस्ट लेस कर देंगे, 25 × 25,000। 55 × 25,000 137। जी फिर 25 × सर ये कितना गेन आ गया? सर ये गेन टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल खुद सोचे दिमाग लगाए। सर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को फायदा दिया है, एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा, टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन सैलरी। शुक्र है सर जी, सैलरी E5। सर जी आगे बात कर रहे हैं E5। सर ये पॉइंट क्लियर हो गए? यस और नो? ये टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी होगा। ही सोल्ड 24,000 शेयर्स ऑफ HQ प्राइवेट लिमिटेड ऑन 30 June 2004 फॉर ₹200 पर शेयर। ही हैड एक्वायर्ड द शेयर्स एज फॉलोस, 18,000 शेयर उसने खरीदे थे 55 रुपए के हिसाब से, और 6,000 शेयर खरीदे थे 41 रुपए 25 पैसे के हिसाब से। वो कहता क्या है? बेचे उसने इकट्ठे हैं 200 रुपए के हिसाब से, खरीदे लहदा लहदा थे। सबसे पहले सेल प्रोसीड ले लेंगे जनाब। अच्छा, दो अलहदा अलहदा खरीदे हैं तो आइडियली दोनों को अलहदा अलहदा वर्कआउट करें, यानी 18,000 शेयर की वर्किंग अलहदा करें और 6,000 शेयर की वर्किंग अलहदा करें। भाई दिखाएगा मुझे किताब। 18,000 शेयर की वर्किंग अलहदा करें और 6,000 शेयर की वर्किंग अलहदा करें। जरा पता है क्या आपने करना है? दो सौ का बेच दिया है, 55 का खरीदा था,
मल्टीप्लाई बाय 18 रहा, जरा कैलकुलेट करके बताएं कितना बन रहा। ये बन रहा है 2610000, यही बन रहा है जी। स्टेप नंबर वन कैपिटल एसेट है, यस और नो तो कर दो यार। स्टेप नंबर टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर, अदर गेन या लॉस, गेन होल्डिंग पीरियड। बेचा कब है? 30 जून पे, मोर देन वन ईयर। 75% डेट से इसका 75% ले लीजिए। वन नाइन फाइव सेवन फाइव डबल जीरो सर, ये केस। दूसरी आइटम ले लीजिए, 6000 शेयर से 200 के बेचे, जब हमें ट्रांसफर हुए तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? हमारे लिए वही कॉस्ट होगी। सर जी जरा कैलकुलेट कीजिएगा जी। 9 सर जी 952500। स्टेप नंबर वन कैपिटल एसेट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर, अदर गेन या लॉस। इसमें गेन आएगा या लॉस आएगा? सर जी गेन आएगा। अच्छा अब होल्डिंग पीरियड देखिए, लेस देन वन ईयर है तो ये 100% टैक्सेबल होगा। सर आपने गौर किया है, अगर मैं इसको 200 ऊपर लिख के 18000 और 6000 के इकट्ठा कॉस्ट निकालता तो मेरा जवाब गलत होता, क्योंकि होल्डिंग पीरियड मुख्तलिफ था तो रेट मुख्तलिफ लगने थे। आइडियली अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आप अलग अलग करें, कोई बात नहीं, यानी दोनों पे सेम भी लगना है तब भी अलग कर लें ज्यादा बेहतर, ठीक है? इकट्ठा मत कीजिए जी भाई, तब भी एहतियात बेहतर यही है, गलती ना हो जाए। सर जी ये E5 था, बोनस शेयर, ये सर सारे का सारा टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन है। हाँ जी भैया, बोनस शेयर सैलरी वाले होते ही नहीं है, बोनस शेयर सैलरी वाले नहीं होते। बोनस शेयर जब आपने शेयर खरीदे होते हैं उस पर बोनस मिलता है, वो सैलरी के अंडर नहीं आता, वो शेयर खरीदने की वजह से मिला है, वो आपके एम्प्लॉय ने आपको नहीं दिया, इस वजह से वो जो शेयर की वजह से फायदा होता है वो अंडर द हेड कैपिटल गेन आता है। जी भाई बात समझ आ गई, यस और नो भाई समझ आ गई है? भाई ने सवाल ये पूछा है कि ये वाले जो बोनस शेयर है ये सैलरी वाले बोनस शेयर है, मैंने उसका जवाब दिया है कि सैलरी के केस में बोनस शेयर नहीं मिलते। बोनस शेयर तो आपको पास कंपनी के अगर शेयर हो तो कंपनी आपको उस पर बोनस देती है शेयर्स की सूरत में, तो ये अंडर द हेड सैलरी नहीं आते, बल्कि आप ये तो शेयर होने की वजह से आपको मिलते हैं और ये अंडर द हेड सैलरी नहीं आते बल्कि अंडर द हेड कैपिटल गेन आते। डन जी, ये ले लिया जी भाई। ये बिल्कुल वही होते हैं, यस।
अगेन ऑफ। सर जी सुनिएगा, गेन है 3 लाख रुपए का, वॉज रिलाइज ऑन द शेयर ऑफ सेल ऑफ शेयर ऑफ निशान इंडस्ट्रियल लिमिटेड अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, शेयर एक्वायर किए थे 31 जनवरी 2004 को। सर जी क्या करेंगे, स्टेप नंबर वन कैपिटल एसेट है, स्टेप नंबर टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी है आदर, यस ये सिक्योरिटी में फॉल करेगा, ये गेन है, सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट होगा। केस नंबर डी, जमान सोल्ड अ पेंटिंग टू हिज ब्रदर ऑन 23 मार्च 2004 रुपीज 1.8 मिलियन। जमान ने परचेज की थी पेंटिंग कितने की, 2 मिलियन की। सर कितने का फायदा हो गया, लॉस हो गया कितने का? स्टेप नंबर वन कैपिटल एसेट है, स्टेप नंबर टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी है अदर, अदर गेन है या लॉस है? आर्ट रिलेटेड आइटम है, नॉट एडजस्टेबल। सर यकीन माने मैंने कोशिश की कि इसको बहुत आसान कर दूं, क्या जेनरली आपको आसान लग रहा है, यस और नो? दो हफ्ते बाद आसान नहीं लगेगा अगर आपने आज तैयार ना किया था। He sold his old furniture to Furkan for ₹285,000 on 25 June. The furniture was purchased in 2002 for 2.5 lakh. जी भाई, step number one capital asset है, क्यों सर? ये personal movable asset है, ये capital asset है ही नहीं, अगली गाल ही नहीं करनी। फायदा हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, वो रेलिवेंट ही नहीं रहा। जब कैपिटल एसेट ही नहीं है तो बात क्या हो गई, खत्म हो गई। आदिल ने सवाल किया था हमारे पास, सर जी अगर अदर में गेन हो और होल्डिंग लेस देन 1 ईयर हो तो 100% टैक्स लगेगा, 100% टैक्सेबल होगा। आदिल के सवाल का जवाब ये था, वो उसका दीजिए रकम है। पॉइंट सी रिपीट कर दें, पॉइंट सी कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसमें एक चीज थी कि वो सिक्योरिटी आपको पता होना चाहिए। सर जी आपको मैंने सिर्फ E2 दिया आज के लिए, कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा कैपिटल गेन पर, तैयार करके आएंगे तो फायदा होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।